हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट रोजाना ब्लॉगिफाई। आज हम आए हुए हैं अपने कंपनी स्टाफ के साथ राजस्थान में सुंदा माता के मंदिर। फ्रेंड्स, यह अरावली की पहाड़ियों में 1220 मीटर की ऊंचाई के सुंदा माता पहाड़ पर चामुंडा माता जी का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसे सुंदा माता के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान शहर के जिला मुख्यालय जालौर से 105 किलोमीटर तथा भीनमाल कस्बे से 35 किलोमीटर दूरी पर दातलावास गांव के निकट स्थित है। फ्रेंड्स, यह स्थान रानीवाड़ा तहसील में मालवाड़ा और जसवंतपुरा के बीच में है। यहाँ गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों से लाखों श्रद्धालु पर्यटक माता के दर्शन करने आते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, यह इसका पार्किंग एरिया है जो कि काफी बड़ा है। यह रहने के लिए होटल भी है, इसमें एसी तथा नॉन एसी दोनों तरह के कमरे उपलब्ध हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको अपने कोटिंग स्टाफ के फ्रेंड से मिलवाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ का वातावरण अत्यंत ही मनमोहक और आकर्षक है, जिसे वर्ष भर में चलते रहने वाले झरने और भी सुंदर बनाते हैं। यहाँ आपको कम से कम कीमत पर खाने पीने के लिए अच्छे भोजनालय हैं। फ्रेंड्स, पर्वत चोटी पर जाने के लिए रोपवे भी संचालित हैं, इसके टिकट भी लगते हैं ताकि लोगों को पर्वत चोटी पर स्थित मंदिर पर जाने में आसानी हो। यह वर्तमान में 800 मीटर लंबे मार्ग वाला रोपवे है, जिससे लगभग 6 मिनट में पर्वत पर पहुंचा जा सकता है। इस रोपवे का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। फ्रेंड्स, यहाँ रोपवे में के अलावा इस पर्वत चोटी पर आप सीढ़ी से भी जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ जगह जगह पर नाश्ते के लिए दुकानें उपलब्ध हैं। Thank you.
यहाँ रहने के लिए कम से कम कीमत में बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, और अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो मंदिर के नीचे बहुत सारी होटल भी उपलब्ध हैं। फाइनली फ्रेंड्स, हम मंदिर पहुंच चुके हैं। यह मंदिर में जाने का रास्ता है। यहाँ हम सबसे पहले अपने चप्पल जूते उतारेंगे, फिर आगे की ओर चलते हैं। ये यहाँ का यज्ञशाला है। फ्रेंड्स, यह मंदिर की खासियत है, यहाँ माता के सिर की पूजा की जाती है। यहाँ माता के मंदिर में संगमरमर स्तंभों पर की गई कारीगरी आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों के स्तंभों की याद दिलाती है। फ्रेंड्स, पौराणिक मान्यता के अनुसार अपने ससुर राजा दक्ष से यहाँ यज्ञ के विध्वंस के बाद शिव ने यज्ञ की वेदी में जले हुए अपने पत्नी सती के शव को कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के टुकड़े टुकड़े कर छिन्न भिन्न कर दिया है। उनके शरीर के अंग भिन्न भिन्न स्थानों पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गया। फ्रेंड, यहाँ माना जाता है कि सुंदा पर्वत पर सती का, जिससे वे अघटेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि चामुंडा माता जी का धड़ कोटड़ा में तथा चरण सुंदरला पाल जालौर में पूजा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ से आप अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं।
फ्रेंड्स, यहाँ रेत का टीला, आप इसे रेत का पहाड़ भी कह सकते हैं, ये लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत अच्छी जगह है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे शिफ्ट इंचार्ज राजेश सर ऊंट की सवारी का काफ़ी लुत्फ़ उठा रहे हैं और उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। फ्रेंड्स, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और नीचे दिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।